फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, जो पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया मेरे व्लॉग को और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और लाइक भी बहुत सारा किया है। तो इसी तरह से अपना प्यार बना के रखें और चैनल को पूरा और कम्प्लीट देखा करें फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर आई हूँ, तो कुछ आपसे ये कहेगा, तो आप इसकी बातें सुनिए। तो बेटा, क्या कहना चाहते हो व्यूवर्स को, कहो जो कहना है। अभी तो चैनल आगे भी जा रहा है, ऐसे ही आगे जाता रहेगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप कमेंट्स करके बताइए आपको कैसे ब्लॉग्स चाहिए, मतलब लाइक आउटडोर ब्लॉग्स। तो अभी मतलब अभी थोड़ा सिचुएशन थोड़ा ख़राब चल रहा है, सो आ नहीं पा रहे, बट अगर आएंगे तो हम आपको आपकी तरफ बहुत जल्दी दिखाएंगे आपको, मतलब जो भी रहेगा आउटडोर ब्लॉग्स एंड ऑल। और बस सपोर्ट बनाए रखिए आप, बाकी बताएंगे आप। नए जायके के बारे में कुछ बोल दो। नया जायका भी चैनल है, उसे भी आप देखते नहीं हैं, बट आप ज़रूर जाके देखिए। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट्स सेक्शन में, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी जो भी है आपको बताएंगे आगे। तो मेरा बेटा आप लोगों को हमेशा बोलता है कि आप लोग हमारे चैनल को देखें, लेकिन नए जायके पे आप लोग नहीं विजिट करते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे भी विजिट करिए और वहाँ की रेसिपी देखिए। और उस चैनल पर भी मैं रेसिपी डालती हूँ, और ज़्यादा मैं तवज्जो इस चैनल पर दे रही हूँ, जो मैं चैनल आपको साथ शेयर करती हूँ मुंबई सिटी पे, मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो मेरा ये व्लॉग्स का चैनल है, तो आप लोग देखते भी हो और मेरे व्लॉग्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो बहुत तारीफ़ आप लोग लिखते हो चैनल के ऊपर और कमेंट्स में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मैंने नेक्स्ट डे जो वीडियो अपलोड की थी, तो घर होम टूर के बारे में, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेरा होम टूर है। तो मेरा होम टूर ये वो तो सेकंड घर है, और जिसमें जहाँ आज मैं बातें आपसे कर रही हूँ, तो ये फर्स्ट वाला है। तो आप लोग तो मेरे घर को बहुत पसंद करते हो और बहुत तारीफ भी करते हो मेरे घर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर मेरे ब्लॉग को शेयर किया करें, और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और मेरी शादी जो मेरे भांजे की है, तो उस शादी के जो है व्लॉग्स आप ज़रूर देखें, हल्दी मेहंदी वलीमे का। तो चलिए, आज मैंने व्लॉग्स में क्या दिखाया, चलिए व्लॉग्स को कर देते हैं स्टार्ट।
ये कपड़े मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं और ये कपड़े बहुत ही हल्के होते हैं और पहनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती है इसमें। तो ये कपड़े हम डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर भी हम पहन कर जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे कपड़े हैं ये। तो इस तरह से भी मुझे हल्के कपड़े अच्छे लगते हैं और ये रेडीमेड कपड़े हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ प्लाज़ो, तो प्लाज़ो आप देख सकते हैं, इसी के साथ इसका प्लाज़ो भी है, पूरा सेट है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा ड्रेस लगा और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। और यहाँ पर मैं दूसरा ड्रेस दिखा रही हूँ, तो इसके साथ भी प्लाज़ो है और ये भी रेडीमेड कपड़े हैं। तो ये कुर्ती भी बहुत अच्छी लगी। तो इसका गला वगैरह भी काफ़ी अच्छा सिंपल बना हुआ है और ये बाहर पहन कर जाने के लिए बहुत अच्छे हैं और इसमें डोरी वगैरह लगी है। तो ऐसे कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं पहनने में। यहाँ पर इसमें लेस वगैरह लगी है सिंपल सी और डोरी भी है इसमें, डिज़ाइनर ड्रेस बना हुआ है ये। तो रेडीमेड कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और दिखते भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ज़्यादातर रेडीमेड ही पसंद है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और इसका प्लाज़ो है वाइट कलर का, तो वाइट कलर का प्लाज़ो है इसमें दिया हुआ, क्योंकि वाइट कलर के इसमें फूल बने हुए हैं और इसमें नीचे लेस लगी हुई है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मेरे बच्चों के कपड़े हैं, ये शादी के लिए इन लोगों ने लिया है। तो ये छोटे वाले बेटे के कपड़े हैं लास्ट नंबर के, जो कभी वीडियो में नहीं आता है आप लोगों के सामने, तो कैमरे में वो कभी आना पसंद नहीं करता है, वो बच्चा बहुत दूर भागता है। और ये भी उसी का शर्ट है। तो अभी भी आज भी वो जीन्स लेकर आया है, तो उसे मैंने शूट नहीं किया, ये पहले से वीडियो तैयार रखा था, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके भी चार जोड़ी कपड़े हो गए हैं शादी में। तो ये एक शर्ट और है और आज भी जीन्स वगैरह वो लेकर आया है। तो इस तरह से बच्चों के ऊपर कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये बहुत ठंडे कपड़े हैं, इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी और काफ़ी अच्छे हैं और कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे अच्छा लग रहा है इनका। तो बच्चों के ऊपर इस तरह से कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये इसकी पैंट है, तो इस तरह से ये पैंट है इसमें ब्लैक कलर की। और वो जीन्स भी लेकर आया है अभी दो, तो उसे जो भी अच्छा लगेगा वो पहन लेगा। और शूज़ भी उसने लिए हैं ब्लैक कलर के, वो तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो वो भी लड़का बहुत ही कपड़े ख़रीदता है, बहुत ही फैशन करता है बच्चा मेरा छोटा वाला। और ये मेरे सेकंड नंबर का बेटा है, उसकी ये मैं पैंट दिखा रही हूँ। तो इस तरह से कपड़े उन लोग लेकर आए हैं और टी शर्ट वगैरह भी लेकर आए हैं। तो बहुत अच्छी पैंट है ये और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा, और ये बहुत ही कपड़ा इसका बहुत अच्छा कपड़ा है ये, कि धोने में भी बहुत आसान रहेगा ये पैंट। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की जीन्स दिखा रही हूँ, तो उन्होंने भी शादी के लिए लिया है। तो ये जीन्स उन्होंने ली है और मैंने भी अपने कपड़े लिए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने अपना शादी का ड्रेस नहीं दिखाया आप लोगों को, तो वो आप शादी के दिन ही देख लेना। और अभी वो मैंने सिलने के लिए दिया हुआ है टेलर के पास।
तो इन लोगों के सब रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन हम लोगों को सिलाना पड़ता है। और हम लोग भी अपने रेडीमेड ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रेडीमेड कपड़े अच्छे लगते हैं मुझे, और रेडीमेड ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और पहनने में भी अच्छे लगते हैं। और ये भी जीन्स हस्बैंड की है, तो वो इस तरह से कपड़े पसंद करते हैं, उनके ऐसे ही ज़्यादातर कपड़े होते हैं, जीन्स वगैरह शर्ट वगैरह होती उनकी, तो वो भी अपने लिए दो जीन्स लेकर आए हैं। तो इसका भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मुझे लगा, ये भी जीन्स काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको हमारे कपड़े कैसे लगे। और यहाँ पे ये लोग नाप कर देख रहे हैं, और बड़े वाले ने ऑनलाइन कपड़े मंगाया हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।